दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज का हमारा जो टेस्ट है वो हिंदी का टेस्ट पेपर नंबर एक है। दोस्तों एनवीएस का एग्जाम हो, केवीएस का हो, सीटेट हो, डीएसएसबी हो, या फिर अदर स्टेट के टेट हो, या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, हिंदी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। चाहे वो कॉमन पेपर में हो, सभी एग्जाम्स के लिए, सभी लेवल के लिए, या सभी सब्जेक्ट के लिए, या फिर हिंदी के टीजीटी और पीजीटी के लिए हूं। आप लोगों को अब मैं कुछ ऐसे टेस्ट सीरीज करवाऊंगा जिसमें सभी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो कॉमन पेपर में आए, चाहे वो टीजीटी और पीजीटी के अंदर आए। आइए देखते हैं हिंदी का टेस्ट पेपर नंबर वन कैसा रहेगा। ये आपको पहले मैं बता दूं, कल हमने वीडियो डाली थी जिसमें आपको बताया था कि सभी सब्जेक्टों के टेस्ट पेपर हम करवाएंगे, क्योंकि आमतौर पर मार्केट में टेस्ट पेपर बच्चों को मिलते नहीं है और हम चाहते हैं कि इतने सारे टेस्ट पेपरों की प्रैक्टिस आपकी हो जिससे आप लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। तो आज के टेस्ट पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। हर टेस्ट पेपर में मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 100 क्वेश्चन हर टेस्ट पेपर में लाए जाएं और हर सब्जेक्ट के लिए 10 से 15 के बीच में टेस्ट पेपर करवाएंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, या फिर पीजीटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी, सभी सब्जेक्टों के हों। तो आइए हिंदी के टेस्ट पेपर की शुरुआत करते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। दूसरी बात, अगर आप लोग स्टडी मटेरियल चाहते हैं और इंडिया में किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी पोर्टल आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410101। इस नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं फॉन्ट को, ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ी आसानी, आप लोगों को स्क्रीन पे जो वर्ड है वो आपको डायरेक्ट दिख जाए। तो आइए एक क्वेश्चन नंबर से हम शुरू करते हैं। आप मुझे एक बार बता दीजिए, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे लगता है आप लोग आराम से इसको देख पाए, या फिर अगर फॉन्ट बड़ा है तो फिर इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो इसको आप इस साइड देख रहे हैं, ये मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा जो है वो किसकी आत्मकथा है। आप क्वेश्चंस के आंसर जो है ना वो इसमें देने की कोशिश करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कमेंट में आप क्वेश्चन दें, जो ऑनलाइन जब हो रहा तो चैट में आप आंसर दें, और आप लोग एग्जामिन करने की कोशिश करें, कैलकुलेट करें अपने स्टडी को कि 100 में से आपने कितने क्वेश्चन को ठीक किया या कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, में से कोई नहीं। यहां आपका आंसर रहेगा राहुल सांकृत्यायन, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दो, देहाती दुनिया के रचनाकार, देहाती दुनिया के रचनाकार के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों यहां आपका आंसर होगा शिव पूजन सहाय को। क्वेश्चन नंबर तीन है, गेहूं और गुलाब की रचना विद्या है, गेहूं और गुलाब की रचना विद्या है, कि आपका आंसर यहां पर उपन्यास, कहानी, नाटक, यहां आपका आंसर रहेगा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फोर, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है। आवारा मसीहा जो है वो शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित एक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर, श्रीलाल शुक्ल की रचना है, श्रीलाल शुक्ल की जो रचना है उसके आधार पर आपको यह आंसर देना है, कौन सी रचना है। आपका आंसर होगा राग दरबारी। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संस्थापक कौन थे। आपका आंसर है धर्मवीर भारती। सातवां, गली आगे मूर्ति है के लेखक का आपको नाम बताना है, गली आगे मूर्ति है के लेखक शिव प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर आठ, एक बूंद सहसा उछली की रचना विद्या है, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, या फिर याता वृत्त। आपका आंसर होगा यारा वृत्त। क्वेश्चन नंबर नौवां, हिंदी में सिक्का साहित्य के अप्रतिम लेखक का आपको यहां पर नाम बताना है, जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा, गुले। ऑप्शन नंबर तीन आप दे हैं तो यहां पर आपके लिए तीसरा ऑप्शन है, मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको, तीसरा ऑप्शन है श्रीराम शर्मा। आपका आंसर श्रीराम शर्मा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर दसवां, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक का नाम आपको यहां पर बताना है। आपका आंसर होगा राम विकास शर्मा। क्वेश्चन ग्यारहवां, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है। आपका आंसर है रघुवीर सहाय। क्वेश्चन
चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार का नाम बताना है। चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से तासप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? कौन सा कवि शामिल नहीं था? रामधारी सिंह दिनकर नहीं थे, तार सप्तक में प्रभाकर भी थे, नेपीचंद्र जैन जी भी थे, भारत भूषण अग्रवाल भी थे। क्वेश्चन नंबर 14, आधा गांव के लेखक का नाम बताना है। आधा गांव के लेखक को आपको बताना है, यहां आपका आंसर होगा राही मासूम रजा। क्वेश्चन नंबर 15, निषाद बांसुरी की रचना विद्या है। निषाद बांसुरी की रचना विद्या है ललित निबंध। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? कौन सा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा या जैनेन्द्र कुमार? यहां आपका आंसर होगा जैनेन्द्र कुमार। ये आपके 16 क्वेश्चन। अब चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ, ताकि आप लोगों को पूरे 100 के 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आज करवाई जाए। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए, देखते हैं कितने नंबरों तक आप लोग पहुंच पाएंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप फास्ट करवा रहे हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप स्लो करवा रहे हैं, कुछ बच्चे कहेंगे हमें आंसर देने का मौका नहीं मिल रहा है। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म पे जो क्वेश्चन लेकर आते हैं वो हम अपने लिए नहीं, वो आप लोगों के लिए लेके आते हैं। किसी को तेज लगता है, किसी को स्लो लगता है, किसी को क्वेश्चन देने का मौका नहीं मिलता है, ये हर इंसान की अपनी अपनी शिकायतें हो सकती हैं। लेकिन आप लोगों को जिस तरीके से आप चलेंगे उस तरीके से आप लोगों को तैयारी हम करवाने की कोशिश करेंगे। फिर भी पसंद नहीं आ रहा है तो फिर आपका हम कोई और सॉल्यूशन नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कनुप्रिया के लेखक हैं। कनुप्रिया के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी, देवापगा, सुरसरी या सरिता? यह जनरल क्वेश्चन आता है, ग्रामेटिकल पोर्शन तो है ही है, जनरल हिंदी के लिए भी है जो आपके जनरल पेपर के अंदर आमतौर पर आपको दिखती है। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? सरिता। सरिता जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। जाह्नवी, देवापगा और सुरसरी तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं। कभी आता है कौन सा है, कभी आता है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, ध्वन्यलोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 20, कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? आपका आंसर होगा यमक। प्रश्न नंबर 21, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक का नाम बताना है, भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 22, पाल डोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक का नाम आपको यहां पर बताना है। आपका आंसर है उदय प्रकाश। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? अरुण कमल की काव्य कृति है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में, यह आप लोगों को लगेगा कि यह सब्जेक्ट चेंज हो गया, लेकिन नहीं, यहां भी हिंदी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित विषय का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम चलते हैं 25वें पे। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अगर देखते हैं तो कौन सा होगा, यहां पर आपको बताना है। 25वां क्वेश्चन है, ऑप्शन में आपको दिखा देता हूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर देने की कोशिश करें। जैसे आप आंसर देंगे हम देखेंगे वो ठीक है या नहीं है। ऑप्शन ए पूजनीय, ऑप्शन दो उज्ज्वल, ऑप्शन तीन पारिपार्श्विक, ऑप्शन चार जो है वो ज्योत्सना है। तो ये आपको यहां पर देखना है कौन सा आंसर होगा। आपका आंसर होगा पारिपार्श्विक। क्वेश्चन नंबर 26, स्वार्थ का विलोम होगा दोस्तों परमार्थ। क्वेश्चन नंबर 27, संस्कृत के चार अध्याय किसकी रचना है? आपका आंसर होगा दिनकर जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 28, जुलूस उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। जुलूस उपन्यास के लेखक दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दुलाई वाली किस विद्या की रचना है? दुलाई वाली कहानी की रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका 30वां क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कमल नयन में कौन सा समास है? कमल जैसे नयन जिसके, ये सिंपल सी चीज है। आप कमल नयन में समास से एक सिंपल क्वेश्चन ग्रामेटिकल पोर्शन से जनरल पेपर की तरह लिया गया है। कमल नयन में कौन सा समास है? ब्रूहू विही समास।
क्वेश्चन नंबर 31वां, नैनोमन तेल होगा न राधा नाचेगी, एक बहुत प्राचीन कहावत है भारतीय इतिहास में, यहां पर पूछा गया है इसका अर्थ क्या है। नैनोमन तेल होगा और न राधा नाचेगी, जहां पर दोनों ही काम इंपॉसिबल दिखाए गए हो वहां पर अर्थ इससे पूछा गया है। यहां पर आपका जो आंसर होगा वो रहेगा असंभव कार्य, दोनों ही असंभव है। जब तक नॉर्मल तेल नहीं होगा राधा नहीं नाचेगी, नॉर्मल तेल होगा नहीं, इस तरीके से इंपॉसिबल चीज दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 32वां, बकरी नाटक के रचयिता का नाम बताना है, बकरी नाटक के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। क्वेश्चन नंबर 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है, कौन सा उपन्यास है जो नागार्जुन का नहीं है, प्रतिपरी कथा। क्वेश्चन नंबर आपका 34वां, भूल गलती कविता के कवि का नाम बताना है, भूल गलती कवि का कविता के कवि है मुक्ति बोध। क्वेश्चन नंबर 35वां, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनना है, कौन सा लोकोक्ति है, मुहावरे और लोकोक्ति के बीच में यहां पर कंपैरिजन किया गया है, अंधे की लकड़ी, नौ दो ग्यारह होना, गले पड़ना, अध जरी अध जल गगरी छलकत जे। अंधे की लकड़ी एक सिंपल सेंटेंस है, नौ दो ग्यारह होना एक सिंगल सेंटेंस है, गले पड़ना एक सिंगल सेंटेंस है, लेकिन अध जल गगरी छलकत जाए एक दो डबल सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, तो ये आपका यहां पर लोकोक्ति होगा, बाकी ऊपर तीनों मुहावरे हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35वां। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, 36वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आइए एक बार देखते हैं। मैं पीडीएफ पे बना रहा हूं, पीडीएफ पे इतना सारा मुश्किल हो रहा था मुझे और थोड़ा थोड़ा टाइम देखो लगेगा एडजस्ट करने में, ये आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हानि लाभ में कौन सा समास है, हानि लाभ में कौन सा समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, ब्रूहु व्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है, या कोई नहीं, आपका आंसर आएगा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, बुधु का कांटा कहानी के लेखक का नाम बताना है, आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा क्या है, एक हिंदी के में जानी जाती है। अनंत का सही संधि विच्छेद आपको करना है, अनंत का सही संधि विच्छेद आपको करके दिखाना है, भी आएगा अने प्लस अंत। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास बताना है, कौन सा रहेगा, गोदान। क्वेश्चन नंबर 40, में शुद्ध वाक्य को चुनना है आपने, कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, राम ने रोटी खाई है, ये आपका शुद्ध वाक्य के रूप में कहलाएगा। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है, दोहा का विपरीत कौन सा रहेगा, रोला नहीं, छप्य नहीं, चौपाई नहीं, आपका आंसर होगा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, इनमें से आपको बताना है, नरेश मेहता को मिला, दिनकर को मिला, नागार्जुन को नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 44, बाल्टी का शब्द है, बाल्टी किस प्रकार का शब्द है, एक विदेश शब्द है, का आप हमेशा मिलन देखते हो। सूची वन का मिलान टू से करना है आपको, करते हुए सही उत्तर चयन करना है, सूची वन पुस्तक और सूची टू, यहां पर पुस्तकें हैं, लेखक एक जीवनी विद्विवेदी, अशोक के फूल बच्चन और क्या भूलूं क्या करूं, इधर आपको लेखक मिलेंगे हजारी प्रसाद हरिवंश राय आगे, और तो एक और ऑप्शन इसमें मैं दिखा देता हूं, उसके बाद आप लोगों ने आंसर को चूज करना है। आप कोशिश करें इन क्वेश्चनों को ढंग से समझने की, और भी डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे आपको इस प्रकार की समस्या ना होने दी जाए। 45 का जहां जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनना है, कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, संन्यास 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 संन्यास, आपका आंसर ये रहेगा बी। क्वेश्चन 47, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या 16 होती है। क्वेश्चन नंबर 48, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है, काला जल का कथानक जो है वो किससे संबंधित है, सांप्रदायिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49, मगध कविता संग्रह के रचयिता का नाम बताना है, मगध का संग्रह के रचयिता का नाम बताना है, आंसर होगा श्रीकांत वर्मा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक राम विलास शर्मा है, कौन सी कृति के लेखक हैं, आपका आंसर होगा भाषा और समाज। क्वेश्चन नंबर 51, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की किसने की, अध्योय
अयोध्या प्रसाद खत्री ने सबसे पहले शुरुआत की कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत। क्वेश्चन 52, ब्राह्मण के संपादक थे, ब्राह्मण के संपादक कौन थे? आपका आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग की केंद्रीय विद्या है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विद्या है नाटक। क्वेश्चन नंबर 54, नसिकेतोपाख्यान के लेखक का आपको नाम बताना है, आंसर होगा सदल मिश्र। ये था दोस्तों आपका 54 वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 55 की तरफ। 55 में क्या दिया गया है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक का नाम बताना है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन हैं? श्रीनिवास दास हैं या फिर बाल मुकुंद जी हैं, किशोरी लाल हैं, बालकृष्ण भट्ट? आपका आंसर बालकृष्ण भट्ट होगा। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर रहे हैं हिंदी का, जिसमें जनरल हिंदी के क्वेश्चन भी हैं और सब्जेक्ट वाले टीजीटी पीजीटी वाली हिंदी के भी क्वेश्चन हैं, इसको आप ध्यान से थोड़ा देखने की कोशिश करें। 56, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक का नाम बताना है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास। क्वेश्चन 57, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली ग्रंथ में अनुवाद किया किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 58, इनकी जैसी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ ही नहीं हुआ, आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह कहा है? यह कहा है धनानंद के बारे में। क्वेश्चन नंबर आपका 59, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है, किसमें मिलता है? कृष्ण भक्ति धारा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60, ध्रुव चरित्र के रथ का नाम बताना है, ध्रुव चरित्र के रचयिता नरोत्तम दास रहे। क्वेश्चन नंबर 61, स्वतंत्रतावाद की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है स्वतंत्रतावाद की? ब्रज भाषा में रचना यह नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर 62, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है आपको। इधर क्या दिया गया है, शब्द दिए गए हैं, इधर उनके अर्थ दिए गए हैं, जलज जलद जल्दि, बादल कमल समुद्र। यहां आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है कि क्या क्या यहां, अगर आप पानी के पर्यायवाची भी जानते हो ना तो यहां पर आप आंसर निकाल ले जाओगे। क्यों निकल जाओगे? क्योंकि पानी के साथ आपको पानी, बादल, जलज जलद जल्दी ऑटोमेटिकली आपका आंसर यहां पर बनने वाला है। तो इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो 62 का जो आपका आंसर हो सकता है, इसका उचित मिलान के साथ मैं आपको इसको दिखा रहा हूं कि उचित इसका आंसर रहेगा हो सकता है, क्योंकि ये मिलान वाले क्वेश्चन है ना आने वाले हैं लैंग्वेज के अंदर, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखने की कोशिश जरूर करिएगा। 62 का जो आपका आंसर होगा वो रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 63, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? आपको नाम बताना है, आपका आंसर है यहां पर तुलसी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से पुलिंग शब्द है, कौन सा पुलिंग शब्द है? घास है, आय है, वे है या नहर है? कौन सा शब्द आपको पुलिंग लगता है? नहर तो स्त्रीलिंग है, आय भी स्त्रीलिंग है, घास भी, व्यय जो है वो पुलिंग है। क्वेश्चन नंबर 65, मध्यकालीन बोधा का स्वरूप के लेखक बताने हैं, कौन लेखक रहे हैं? आपका नाम होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 66 में फिर उचित मिलान का वर्णन है, इधर कृतियां हैं, दस कुमार चरित है, नैषधीय चरित है, उत्तरा राम चरित है, और इधर लेखक श्रीहर्ष, भवभूति, दंडी। तो यहां आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आपका आंसर यहां सी रहेगा, सी आंसर रहेगा। यहां पर इस तरीके से इनको मैच करने की कोशिश सेटर ने की है। क्वेश्चन नंबर आपका 67, सीखी लीनो मीन मर्ग खंजन कमल, नैन सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानी है, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां ठाकुर जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 68, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान का नाम बताना है, आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 69, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आंसर 1800। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? राहुल ने हिंदी भाषा का सर्वप्रथम कवि किसको स्वीकार किया है? मैं ऑप्शन दे देता हूं, आप थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करें, हो सकता है कि कुछ चीजें आपको यहां पर समझ आ जाएं। राहुल जी ने हिंदी के प्रथम कवि के रूप में किसको संज्ञा दी है, किसको माना है? पुष्पदंत हेमचंद सरप। आपका आंसर सरपा होगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 71, नैन नचाई कहियो मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी, ये पक्तियां किसकी हैं, किसकी ये पक्तियां हैं? आपका आंसर है पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 72, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है, किसने आदिकाल नाम दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 73, भाषा योगवासिष्ठ के लेखक का आपको नाम बताना है, आपका आंसर होगा राम प्रसाद निरंजनी। क्वेश्चन नंबर 74, नहुष नाटक के नाटककार कौन है, नहुष नाटक के नाटककार सीताराम दास है। क्वेश्चन नंबर 75, हिंदी शब्दानुसार शब्दानुशासन के लेखक का नाम बताना है, आंसर होगा किशोरीदास वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 76, बरवे नायिका भेद के रचनाकार को रहीम। क्वेश्चन नंबर 77, विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। रीतिकाल 78 क्वेश्चन, रीतिकाल की रीति सिद्धि काव्यधारा के कवि का नाम बताना है, आंसर होगा बिहारी। क्वेश्चन नंबर 79, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं, किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? कोशकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 80, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? आंसर होगा ब्रज भाषा से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। 81 में क्या दिया गया है, 80 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 81वें क्वेश्चन को देखते हैं। जितने भी आज तक 10 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो सीटेट में हो हिंदी के, चाहे वो डीएसएसबी में हो, चाहे वो केवीएस में हो, चाहे वो एनयूएस में हो, चाहे वो आरोही या हरियाणा के एग्जाम हो, यूपी के एग्जाम हो, राजस्थान के हो, एमपी के हो, सभी एग्जामों में जितने भी टीचिंग के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, वो कम से कम 2000 से 2500 क्वेश्चन मैं हिंदी के करवाने वाला हूं। सभी सब्जेक्टों के इतने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और अगर आप पूरे वीडियोज को, हर वीडियो को ध्यान से देखेंगे, हर लेक्चर के साथ जुड़ेंगे, तो आप लोगों को फायदा होगा। हम लोगों ने एक शेड्यूल बनाया है कि मंडे को आपके लिए जो वीडियो आएगी वो हिंदी की आएगी शाम को 8 बजे, ट्यूजडे को शाम को 8 बजे एसएसटी, वेडनेसडे को हिंदी, थर्सडे को एसएसटी, फ्राइडे को फिर हिंदी। इस तरीके का अल्टरनेट डे पर 8 बजे का समय है, 9 बजे का, 10 बजे का, 11 का, 12 का, अभी एक दो दिन में सब्जेक्ट का बनाएंगे। आप कमेंट कर सकते हैं आपको कौन सा समय किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए, हम कोशिश करेंगे आपको वो दें। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास से मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? आपका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों अगर आपको फॉन्ट दिखने में कोई दिक्कत है, या तो हो सकता है मोबाइल के अंदर थोड़ा सा आप उसकी वैरायटी को बढ़ा लीजिए, उसके थोड़ा सा लॉजिक को बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। फिर भी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो में हमें बता दीजिए, अगली वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्कैनिंग के बाद पीडीएफ और कई सारी समस्याएं यहां पर दिख जाती हैं। 82, पौम चरियु किसकी रचना है, किसकी रचना है? आपका आंसर है स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 83, गोस्वामी तुलसीदास की रचना में कवितावली किस भाषा की रचना है? कवितावली ब्रज भाषा की रचना है। 84, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है, किस रूप में देखा गया है? प्रेमिका के रूप में। 85, निमित्त में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है, कौन नहीं है? आंसर है रामकृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ये मैंने पहले भी एक क्वेश्चन रखा था, यहां भी थोड़ा से ऑप्शन को बदल के रखा गया है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पूछा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है, किस उपन्यास से संबंधित है? राग दरबारी से। क्वेश्चन नंबर 88, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल 10 गुण होते हैं। 89, हिंदी वर्णमाला में ए अंग और ए क्या है, क्या है आपको बताना? स्वर है, व्यंजन है, अयोग वाह है, संयुक्ताक्षर है, तो आपका आंसर होगा अयोग वाह। क्वेश्चन नंबर आपका 89 के हैं, 90 क्वेश्चन में क्या रखा गया, आइए उसको देखते हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ इसके आंसर को शेयर करें और आप इस पर प्रैक्टिस थोड़ी सी कर पाए। क्वेश्चन नंबर 90, अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है, कौन सी नाट्य विधा के अंतर्गत है? गीति नाट्य के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 90, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, किसने माना है? गोपाल राय ने। क्वेश्चन नंबर 92,
समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे आर्ट क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? किसने किया? आंसर है रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 93, शिखर से सागर तक किस रचना की जीवनी है? किसकी रचना, किस रचनाकार की जीवनी है? अज्ञेय जी की जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 94, हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह भारतीय साधना परंपरा सर्वत्र स्फूर्ति विकास है, इनमें से ए और बी दोनों ठीक है, दो ए और ए सही और बी गलत है, ए गलत और बी सही है, ए और दो दोनों आंशिक रूप से सही है, आपका आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 95, विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है, विभाव ही रस का हेतु है, तो यहां आपका आंसर क्या रहेगा, ए सही है और बी आंशिक सही है, ए सही और दो आंशिक सही। क्वेश्चन नंबर 96, नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है, नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है।